अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है, वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर अब दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा पर और क्या कुछ नसीहत दी है भाजपा को, आज की इस खबर में बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। हमने आपको कई खबरें दिखाई जिसमें दिल्ली की मंत्री आतिशी के द्वारा या फिर आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब हो रही है, जेल में उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। ऐसे लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे। अब ऐसे में हाल ही में दिल्ली की मंत्री आतिशी सामने आई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें वो बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का वजन जो है लगातार गिर रहा है। तकरीबन जो दावा किया जा रहा है कि 8.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का कम हो चुका है, उन्हें डायबिटीज है, उनकी शुगर लेवल लगातार गिर रही है, उनके शरीर में दर्द रहता है जिसकी वजह से वो कोमा में भी जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक उन्हें हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकते हैं। और उन्होंने इस बात का प्रूफ दिखाया, एक रिपोर्ट दिखाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। एक रिपोर्ट वो अपने हाथ में दिखा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बीजेपी की तरफ से ही प्रस्तुत की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा। उनका कहना है कि ना ही ये आम आदमी पार्टी का दावा है, ना ही ये आतिशी का दावा है, बल्कि ये एम्स के डॉक्टर्स जो अरविंद केजरीवाल की देखरेख कर रहे हैं, ये उनका दावा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब होती हुई नजर आ रही है। उनकी वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुने। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है, वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा, खतरनाक लेवल्स तक पहुंचता रहा और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। और ये तिहाड़ जेल की रिपोर्ट दिखा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर राजनीति करना बंद करो। अगर देश की जनता से नहीं डरते हो, कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्थ्य और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अब इसे लेकर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी भी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही। बीजेपी के कई नेताओं के भी ये आरोप थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सेहत को मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जब उन्हें जमानत मिली थी, वो रिहा हुए थे, तब तो उनकी तबीयत में कोई खराबी नहीं हुई, लेकिन जब भी वो जेल में रहने लगते हैं तो आखिर उनकी तबीयत को एक मुद्दा क्यों बनाकर पेश किया जाता है। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।